I marks in CIPCC and final and other qualifications MCOM, LLB, MB Finance, and I have also completed a post qualification course in indirect taxes conducted by ICAI. And yes, do give this video a thumbs up, it really motivates me. And please subscribe the channel for more such videos. I आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट ऐसे पढ़ने वाले हैं जिसका नंबर है 315 सौ पंद्रह यस ऐसे तीन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा आपके लिए और बच्चे जनरली इस ऐसे को छोड़ के त्याग कर चले जाते हैं और एग्जाम में उन्हें कुछ समझ नहीं आता है एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत सारे इस पर आ चुके हैं मैं आपको सारे क्वेश्चंस कवर कराऊंगा साथ ही साथ आपको ये ऐसे बहुत अच्छे से समझाऊंगा पहला काम जो करना है वो ये कि आपको इसका नाम याद करना है कम से कम पंद्रह बार रिपीट करेंगे हम इस पूरी वीडियो में इसका नाम आइए एक बार नाम को देख लेते हैं क्या है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग। ये तो हो गई हमारी पहली चीज कि क्या करना है आइडेंटिफाई करना है और असेस करना है हाँ जी क्या करना है आइडेंटिफाई करना है और असेस करना है सेकेंड पार्ट आता जी किसको आइडेंटिफाई और असेस करना है तो यहां लिख देता हूं किसको तोड़ तोड़ के चले इसको आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट क्या करना है आइडेंटिफाई एंड असेसिंग साथ साथ बोलेंगे तो कामयाबी जल्दी मिलेगी बोलिए मेरे साथ क्या करना है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग कैसे करना है या फिर किसको करना है द रिस्क ऑफ मिटल मिस्टेटमेंट और फिर सवाल उठता है अपने पास कि सर कैसे करना है कैसे लीजिए ये तीन चीजें आपको समझ आ जानी चाहिए क्या किसको कैसे कैसे करेंगे थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवाइ ठीक है, बिल्कुल भी आप इसकी टेंशन मत लीजिए अभी याद होगा अभी आप तोते की तरह बोलना शुरू कर दोगे। आओ जरा मेरे साथ और एक बार रिपीट करते हैं मैं तीन हिंदी के क्वेश्चन लिख रहा हूं आपने बस उसी पे काम करना है क्या किसको और कैसे इस तीन पार्ट में आप ऐसे के नाम को बांट सकते हैं तो सबसे पहला आपका कार्यक्रम है क्या करना है आइडेंटिफाई एंड एस किसको आइडेंटिफाईस करना है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसमेंट इसे हम प्यार से बुलाते हैं समझ ना है तो रुम रिंग द रुम रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट अब सवाल उठता है कैसे करना है थ्रू अंडरस्टैंडिंग थ्रू वॉट अंडरस्टैंडिंग किस किस को अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट मैं आपको भी ये ये एक एक ये एकदम ढंग से समझाने वाला हूं पहले नाम पे फोकस करेंगे तो एस का नंबर है 315 सौ पंद्रह एस ए का नाम है आइए फिर से आइडेंटिफाइंग एन एस एसिंग रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स हां जी आइडेंटिफाइंग एन एस एसिंग द रिस्क ऑफ मेटेरियल स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट याद करना है सर पेपर में कोट करना पड़ेगा और कई बच्चे इसको गलत कोट करके आ जाते हैं फिर से क्या करना है किसको करना है कैसे करना है क्या करना है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग किसको करना है रिस्क ऑफ मिडल स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई और एसेस करना है कैसे करना है थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट आखिरी बार सात बोलेंगे मैं बोलूंगा क्या आप बोलेंगे उसका आंसर क्या करना है वेरी गुड एक बार और क्या करना है वेरी गुड किसको करना है वेरी गुड कैसे करना है हां जी कैसे करना है थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट बहुत बढ़िया ओके अब सर ये कर क्या रहे हैं सैसे के अंदर ये तो आपने रटवा दिया हमें नाम इसका हाँ 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 बेटा हां शुरू में तो नाम ही रटोगे अब इसको समझना भी शुरू करेंगे आइए देखते हैं मैं आपसे बात करता हूं सर बहुत पुरानी और बहुत पुरानी बात है ऑडिट रिस्क के ऊपर याद करिए आपने मेरे साथ ऑडिट रिस्क पढ़ा है रिस्क दैट ऑडिटर विल एक्सप्रेस एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन वेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटीरियली मिस्टेटेड यही पढ़ाया था मैंने आपको फिर बोलता हूं रिस्क दैट ऑर्डर विल एक्सप्रेस एन इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटीरियली मिस्टेटेड ओके अच्छा जी इस बात की प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं ऑडिट रिस्क फिर हमने ऑडिट रिस्क को याद करिए दो पार्ट में बांटा था एक था रम रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट और दूसरा था डी आर दिटेक्शन रिस्क फिर मैंने दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करवाया था याद करते जाइए तो था, था लगी नहीं सकते कंपनी में नेचर ऑफ बिजनेस की वजह से कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें होती है सर जो हम बिल्कुल दूर नहीं कर सकते बस उनको दूर करने की कोशिश बार बार करेंगे लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रिस्क रहेंगे ही ऐसे रिस्क को बोलते हैं रिस्क रिस्क कंट्रोल आईसी है लेकिन वो प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पा रहा हाँ जी इंटरनल कंट्रोल है तो सही लेकिन वो प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पा रहा अब हमारा ऐसे डील करता है और याद रखिएगा कि ऐसे 315 में एक ही वर्ड यूज हुआ है आइडेंटिफाई एंड एसेस अभी हम और कुछ नहीं कर रहे रिस्क को देख रहे हैं कि कितना रिस्क है अब मैं आपको फिर से कुछ बातें पुरानी याद दिलाता हूं ध्यान से सुनिए मैंने आपको बोला था बेटा आर एम एम ऑडिटर बढ़ा या घटा नहीं सकता ऑडिटर इस रिस्क को सिर्फ असस कर सकता है और वो करने जा रहा है ऐसे 315 में हां वो वो करने जा रहा है एस नंबर 315 में आई होप आपको ये बात समझ आए मैं फिर से बोलता हूँ ऑडिटर सर रिस्क ऑफ मेटेरियल स्टेटमेंट आर एम एम को क्या कर सकता है सिर्फ असअस्ट कर सकता है इसको घटा या बढ़ा नहीं सकता है ओके okay. अब रिस्क ऑमि स्टेटमेंट सर जो है वो डिपेंड करता है दो चीजों पर आई शुड से कि वो दो चीजों में डिवाइड कर दिया जाता है आई और सी आर ओके मैंने इसके लिए एक छोटा सा नोट बनाया है मैं आपको वो पढ़ाता हूं और समझाता हूं कि सर इस ऐसे की जान कहां पे है ये देखिए ये रहा वो नोट सो so, पहला हमारा क्वेश्चन बनता है व्हाई देयर इज अ नीड व्हाई देयर इज अड टू अंडरस्टैंड दी एंड इट्स पढ़ने की कोशिश करते हैं वी कैन नॉट ऑडिट ऑल दशन बिकॉज ऑफ इनहरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग हम सारी ट्रांजेक्शन चेक नहीं कर सकते देयर फोर वी नीड टू डिसाइड द नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ दोसीजर एंड वील्सोल्सो नीड टू नो वॉट सैंपल साइज तो भाई सिंपल सी बात है मैं यहां पर आपको लिख के दिखाता हूं ऑडिट की एक इनहरेंट लिमिटेशन है जिसके चलते हम ऑडिट की सारी ट्रांजेक्शंस को चेक नहीं कर सकते ऑडिट की एक इनर एंट लिमिटेशन है इनर लिमिटेशन है जिसके चलते हम ऑडिट की सारी ट्रांजेक्शन चेक नहीं कर सकते अला का थर्ड पॉइंट याद करिए टाइमलीनेस एंड अ बैलेंस बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टाइमलीनेस ऑफ रिपोर्टिंग एंड अ बैलेंस बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट तो उसके चलते सर हम सारी की सारी ट्रांजेक्शन चेक नहीं कर सकते अब सारी की सारी ट्रांजेक्शन नहीं चेक कर सकते इसलिए हमें दो तीन चीजें डिसाइड करनी है नंबर वन हमें एक, एक बोलिए क्या सैम्पलिंग साइज आई शुड से साइज ऑफ सैंपल साइज ऑफ सैंपल आपने पढ़ा है वैसे तो हमने एक बात रटी हुई है इसके लिए इट मस्ट बी अप्रोप्रिएट इट मस्ट रिप्रेजेंट दी एंटायर पॉपुलेशन है बट यहां पे मैं आपसे जो कह रहा हूँ उससे जरा ध्यान से सुनिए कि सर हमें ये दो चीजें चाहिए नाउ टू डिटरमाइन द नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ आट प्रोसीजर नीड टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स नेचर टाइम और एक्सटेंड मेरे प्रोसीजर कितनी डिटेल में रहेंगे मेरे प्रोसीजर कम डिटेल में होंगे ज्यादा डिटेल में होंगे मेरे को बहुत ज्यादा एविडेंस चाहिए कम एविडेंस चाहिए मुझे लास्ट में सिर्फ एविडेंस चाहिए पूरे साल के एविडेंस निकालना चाहता हूँ सैंपल साइज बड़ा होगा या छोटा होगा तो ये चीजें देखने के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत पड़ेगी एक आर एम एम की और एक मेटरिटी की मेटरिलिटी बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं एस ए तीन सौ बीस में अब हम देख रहे हैं आर एम एम व्हाट इज आर एम एम रिस्क ऑफ मेटल स्टेटमेंट और वो हम डिटरमाइन करेंगे कहां पे एस ए तीन सौ पंद्रह में हां जी, कहां पे एस ए नंबर तीन सो पंद्रह में आई होप आपको समझ आया ओके सो आर एम एम हम लोग सर देखेंगे 315 में मटेरियलियम देखेंगे 320 में ये दोनों चीजें मुझे मदद करेंगी डिटरमाइन करने में कि मेरे ऑडिट का नेचर टाइम और एक्सटेंट क्या होगा मेरा सैंपलिंग साइज क्या होगा ओके अच्छा अब हमें पहले से पता है सर कि आरएमएम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स हमने बेसिक्स में पढ़ लिया था आईआर एंड सीआर सुनते जाइए हमें पहले से पता है कि सर आरएमएम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स आईआर एंड सीआर

ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना है क्यों एनवाइट को स्टडी करना है ऐसे तीन है क्यों मैं दोबारा से सारी बातें बोलता हूं देखो भाई हम लोग ऑडिट पूरा नहीं कर सकते हर चीज का नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ ओके लेकिन अब हमें कम ऑडिट करना है तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि कितना ऑडिट करें नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड कितना सैंपल साइज लें अब ये दोनों पत, ये दोनों चीजें पता लगाने के लिए मुझे दो चीज सीखनी पड़ेंगी और वो है आर और मेटीरियलिटी ओके okay? RMM और ियलिटी अच्छा अब आर एम एम को सर मैंने दो पार्ट में बांट रखा है आई आर एंड सी आर आई आर एंड सी आर आई आर सर इनसेपरेबल होता है नेचर ऑफ एंटिटी वैसे होता है सी आर सर आईसी है लेकिन पीडीसी नहीं कर पा रहा ओके okay. अब सर ध्यान से कॉन्क्लूजन पे टू एस द इनहेरेंट रिस्क टू एस द इनहेरेंट रिस्क वी नीड टू अंडरस्टैंड द एंटिटी इट्स एनवाइ एंड टू अस कंट्रोल रिस्क वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑफ दिस्क को assess करने के लिए हमें सर किसको समझना पड़ेगा एंटिटी और उसकी इन्वायरमेंट को क्यों इनहेरेंट रिस्क वो होता है जो इनसेपरेबल होता है जो बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द एंटिटी होता है और सर हम उसे कभी भी खत्म नहीं कर सकते जो ये एंटिटी का रिस्क होता है और ऐसे रिस्क को समझने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी एंटिटी की एक बार समअप करने का भी मौका दीजिएगा मुझे आई होप यहां तक बात समझ आए ओके okay? अब नीचे एक छोटा सा नोट मैंने और लिख दिया है कि सर ये जो ऐसे 315 है दिस इज ऑल अबाउट असेसमेंट एंड नॉट एक्शन एंड वी विल फॉर्मुलेट अवर रिस्पॉन्स टू रिस्क एन एस ए तीन सो तीस भाई तीन सौ तीस में हम लोग रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे हम लोग रिस्पॉन्स फॉर्मुलेट करेंगे किसका जो रिस्क हम लोग कर रहे हैं बोलिए कहा तो रट्टा नहीं मारा है अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ चीजों को समझा है मैं कंक्लूड करने का मौका दीजिए और साथ ही साथ एक बात सुन लीजिए अभी एस में बहुत कुछ है रट्टा मारने वाला और अगर आप लोग सोचते हैं कि बिना रट के आप लोग पास हो जाएंगे आईपीसीसी में आई एम रियली सॉरी गाइज हमें सर दोनों चीजें अपनानी पड़ेंगी, समझना भी पड़ेगा रटना भी पड़ेगा हमें ना चतुर बनना है ना रैंचो बनना है हमें बनना है चतुर रैंचो ओके okay. ओके okay. लेकिन अभी थोड़ा समय और दीजिए मुझे पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने दीजिए उसके बाद गाइस मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने कैसे सर इसको रट्टा मारना है अभी सिर्फ समझने वाली बात है तो ऐसे के नाम पे एक बार दोबारा आते हैं गाइस थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए और पढ़िए क्या करना है आइडेंटिफाई एंड एस करना है को करना है रिस्क ऑफ अब यहीं से शुरू कर देता हूं कहानी रिस्क ऑफ को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क इनहेरेंट रिस्क होता है बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ एंटिटी ये कभी भी हम डिलीट नहीं कर पाएंगे कोशिश करते रहेंगे इसे कम करने की लेकिन सर ये इनसेपरेबल होता है बिकॉज ऑफ एंटिटी होता है ओके अब किसको अंडरस्टैंड करना था एंटिटी को और उसके एनवायरनमेंट को लो भाई एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट को क्यों समझना जरूरी है क्योंकि सर हम लोग असेस करना चाहते थे किसको आईआर को हाँ जी असेस करना चाहते थे कम ऑन किसको आईआर को ओके okay. सॉरी हाँ जी किसको असेस करना चाहते थे आईआर को आईआर को असेस करना है तो हमें सर्व एंटिटी का नेचर सॉरी एंटिटी को और उसके एनवायरनमेंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसे ही सर अगर हम लोग समझना चाहते हैं सीआर को तो हमें समझना पड़ेगा एंटिटी के आईसी को जो इस एसे के अगले पार्ट में आएगा और इस एसे में सर कम से कम कम से कम नहीं तो मैं आपको पांच से छह क्वेश्चन ऐसे दिखाऊंगा जो रटने बहुत 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 ज्यादा जरूरी हैं एग्जाम में बार बार लगातार आपको दिखाई देते हैं ओके बोलिए है। हां जी ये सारा आपको रिलेशनशिप समझ आना चाहिए आगे बढ़ने से पहले यह समझ नहीं आया तो सर कुछ समझ नहीं आया ओके एक बार फिर से बोलेंगे ऐसे तीन सौ पंद्रह का नाम है आइडेंटिफाइंग एंड एसेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट अभी मैंने आपको समझाया कि क्यों जरूरी है एंटिटी और एनवायरमेंट को समझना क्योंकि एंटिटी और एनवायरमेंट को समझ के ही आप लोग पता लगा पाएंगे कि आई कितना है और ऐसे का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि पता लगा पाना कि सर रिस्क में स्टेटमेंट कितना है रिस्क में स्टेटमेंट का मतलब आई और सी कितना है आई पता लगाने के लिए आपके पास और कोई रास्ता नहीं है आपको समझना पड़ेगा एंटिटी को बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एंटिटी राइट ओके गाइज आई होप आपको ये बात समझ आई बोल दो अब इस ऐसे की कुछ और आगे वाली बातें चलिए देखते हैं